यतीन नरसिंहानंद सरस्वती और उनके जैसे बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया में ये कहते हुए आपने जरूर सुना होगा कि कुरान नॉन मुस्लिम्स को मारने काटने का हुक्म देता है। इस्लाम चलता है तो कुरान यही तो सिखाती है कि दुनिया में एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ना, एक भी काफिर के घर में औरतें नहीं छोड़नी, काफिर के पास कोई संपत्ति नहीं छोड़नी, यही तो कुरान सिखाती है। क्या कुरान सच में नॉन मुस्लिम्स को मारने काटने का हुक्म देता है या कुरान शांति का पैगाम देता है? आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आयत नंबर 26 में क्यों लिखा हुआ है काफिरों को मारो, कौन है ये काफिर? काफिर हम है। आपके कुरान में लिखा हुआ है आयत नंबर 26 में, जिस पे विवाद आज भी हो रहा है। ये लोग कुरान के सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191 को कोट करते हैं और कहते हैं कि इस आयत में लिखा है जहां भी नॉन मुस्लिम्स मिले उनका कत्ल करो। असल में इसके पिछले आयत यानी आयत नंबर 190 में इसका कंटेक्स्ट दिया हुआ है। आयत नंबर 190 में कंटेक्स्ट ये है कि उन लोगों से जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं। उसके बाद आयत नंबर 191 में है कि वो लोग जहां मिले कत्ल करो। इसका सही मतलब ये निकला, कोई अगर आपसे जंग करने आ जाए आप सेल्फ डिफेंस में उसका कत्ल कर सकते हो। इसका इस आयत का आम मुस्लिम्स या नॉन मुस्लिम्स के साथ कोई लिंक ही नहीं है। ये हुक्म जंग के मैदान के लिए ही है। इसी तरह ये नफरती लोग कुरान के सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 89 को कोट करते हैं और कहते हैं कुरान ये हुक्म देता है कि नॉन मुस्लिम्स जहां मिले उनका कत्ल करो। लेकिन उसी आयत के अगले आयत यानी आयत नंबर 90 में इसका कंटेक्स्ट दिया गया है। वो लोग इस हुक्म से बाहर है जो लोग पीस ट्रीटी यानी सुलह को मानते हैं, या वो लोग भी बाहर है जो लोग जंग नहीं करना चाहते। इसका सही कंटेक्स्ट ये निकला, अगर कोई तुमसे जंग करने आए तो फिर तुम उनके साथ जंग करो, उनका कत्ल करो। ये हुक्म आम लोगों के मारने के लिए है ही नहीं। इसी तरह ये लोग आयत नंबर 91 को कोट करते हैं और कहते हैं कि कुरान नॉन मुस्लिम्स को मारने का हुक्म देता है। असल में उस आयत को पूरा कोट ही नहीं करते। आयत के फर्स्ट पार्ट में लिखा है अगर वो लोग जंग से अलगगी अख्तियार ना करें और हाथ को ना रोके तब तुम उनके जहां पाओ कत्ल करो, यानी जंग के मैदान में सेल्फ डिफेंस में कत्ल करने का हुक्म दिया गया है, ना कि किसी इनोसेंट इंसान को मारने का। इसी तरह ये नफरती लोग कुरान के सूरा तौबा सूरा नंबर 9 आयत 5 को कोट करते हैं और कहते हैं कि कुरान नॉन मुस्लिम्स को मारने का हुक्म देता है। हालांकि इस आयत का कंटेक्स्ट आयत नंबर 4, 6, 7 और 8 में दिया हुआ है। यहाँ पर पीस ट्रीटी यानी सुलह के समझौता ख़त्म हो जाए तो जंग के मैदान में उनको जहाँ पाओ तो कत्ल करो, ऐसा हुक्म था। लेकिन अगर कोई जंग के टाइम भी शांति का समझौता चाहता है यानी अपने हथियार डाल देता है तो उसको कत्ल मत करो। कुरान में जहाँ भी कत्ल की बात की गई है वो सारे के सारे जंग के मैदान में सेल्फ डिफेंस के कंटेक्स्ट में की गई है। और आज भी दुनिया में सारे कंट्रीज इस बात को मानते हैं कि अगर कोई दूसरा कंट्री जंग करने के लिए आ जाए तो सेल्फ डिफेंस में भी हम उनके साथ ज़रूर जंग करेंगे। आम हालात में कुरान हमेशा शांति का हुक्म ही देता है। जैसे कुरान के सूरह अल अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 61 में कहा गया अगर वो शांति की तरफ झुके तो तुम भी शांति की तरफ झुक जाओ। कुरान में सूरह अल मुंतहा सूरह नंबर 60 आयत 7 में कहा गया करीब है यानी हो सकता है अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान दोस्ती पैदा कर दे। कुरान के सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कहा गया अगर कोई इंसान किसी इंसान को नाहक कत्ल करे तो ये ऐसा है कि जैसे उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जो शख्स किसी इंसान को बचा ले तो ऐसा है कि तमाम इंसान को बचा लिया। कुरान में ऐसे बहुत सारे आयते हैं जो जस्टिस और शांति को बढ़ावा देने की बातें करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने कुछ चुने हुए आयतों को ही इस वीडियो में कोट किया है। बाकी आप लोग नफरती प्रोपेगेंडा से खुद को बचा कर रखो, खुद कुरान को स्टडी करो, हकीकत आपको ज़रूर पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकअल्लाह, सलामुअलैकुम।